नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग हेडियर। आज बात करेंगे पीईटी एग्जाम पर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं कि पीईटी परीक्षा निरस्त होगी। तो अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया है जो कि दो शिफ्टों में, दो दिन लगातार चार शिफ्टों में आयोजित किया गया था 15 और 16 अक्टूबर को, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। डियर, जैसा कि आपको बता दें कि जो पीईटी एग्जाम है वो 15 और 16 को दो शिफ्टों में आयोजित कराया गया और इसमें लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी। वो कहीं ना कहीं सरकार की हीला हवाली भी इसमें सामने आई है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर बस अड्डों में इतनी भारी भयंकर भीड़ थी। कुछ छात्रों का निधन भी हुआ है इस एग्जाम को लेने में, देने जाने में। ऐसी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। आइए पहले बात करते हैं, क्या पेपर अभी भी निरस्त हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। देखिए पेट में कई खबरें आई हैं। पीईटी में सेंध लगाते 21 साथी पकड़े गए थे, ये लखनऊ से आई है और लखनऊ में लगभग 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी है। तो आप देख सकते हैं ये भीड़ का नजारा कैसे, इसमें कितनी अनियमितताएं सरकार की थी और इसमें कहीं ना कहीं 20-20 हज़ार में पेपर के जो उत्तर कुंजियां हैं, जो पैटर्न है, वो बेचे जा रहे थे, ये साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई कि ये प्रश्न एकदम वही थे या नहीं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है हरदोई का सरकारी शिक्षक सरगना कई साल भर संपर्क में। ये वही शिक्षक है जो मध्य प्रदेश की बीएड परीक्षा प्रकरण में भी जेल जा चुका है। ये खुलासा हुआ है कानपुर से। पीटी में साल भर गैंग पकड़ा गया है एसटीएफ के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे कई जगहों से विभिन्न प्रकार की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो चेयरमैन सर हैं आयोग के, उन्होंने पीईटी परीक्षा को निरस्त करने की कोई बात नहीं की है। तो उम्मीदें यही है कि पेपर निरस्त नहीं होगा, क्योंकि काफी बड़े स्तर पर इसमें जो है आयोजन कराया गया था प्रदेश के विभिन्न 75 जिलों में। काफी बड़ा संकट है इस परीक्षा को कराने में। आपने देखा है किस तरीके से, हालांकि सरकार बार बार कहती रही कि रेलवे और परिवहन की व्यवस्थाएं जो है समुचित होंगी, लेकिन सबका सब धरा रह गया, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त रही सरकार की। आप देखे हैं बच्चे जो है खिड़कियों से लटक लटक कर जाने में जो है वो मजबूर थे, और कहीं ना कहीं एग्जाम की वजह से 2 से 3 बच्चों का निधन भी हुआ है। प्रदेश के इन विभिन्न जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। अब बात कर लेते हैं कि शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। तो बता दें जो 15 अक्टूबर का पेपर था वो कहीं ना कहीं हार्ड लेवल माना गया है उसका, पहला और दूसरे शिफ्ट का। और बात की जाए 16 अक्टूबर की, तो पेपर सामान्य स्तर का था, मॉडरेट था। तो कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर के साथियों को नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबरों का फायदा जरूर होगा डियर, ऐसी मेरी आशा है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ इस बार का थोड़ा कम जाने के चांसेज है। अगर आपने 55 से 65 के बीच में जो है प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और आपका स्कोर 55 से 65 के बीच में रहता है, तो आप सेफ जोन में खड़े हो जाएंगे डियर। तो ये पीटी पर एक बड़ी अपडेट थी, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है इस संबंध में कमेंट बॉक्स में प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।